ये रहा मेरा कड़ा प्रसाद, रेडी हो चुका है। देखिए अब मैं इसे खा के भी बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी। ये रहा आटा, ये मैंने 1 कप आटा लिया है, और ये रही इलायची, और हमें दूसरी जो ज़रूरत है वो है चीनी। ये चीनी मेरी थोड़ी मेल्ट हो गई है, आज मैं मिश्री नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिश्री ख़त्म हो चुका है मेरे पास। सो ये रहा चीनी, और ऑल टाइम फेवरेट मेरा घी। सो ये जो कड़ा प्रसाद है, अगर आप घी में बनाओ, अगर क्या घी में ही बनाओगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है, फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस होके आता है। सो हमें बस इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने पहले ही इसे प्री हीट पे रख दिया था, अब ये गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें ताकि जब ये इसमें हम अपना सिरप, चीनी वाली जब सिरप डालेंगे तो घी अलग हो जानी चाहिए। मैंने अपनी कढ़ाई को प्री हीट पे चढ़ा दिया था, अभी मेरा घी भी गर्म हो चुका है। सो अब मैं जो है इसमें मेरा आटा डालूंगी। धीरे धीरे जो है अपने आटे को इसमें पूरा डाल दीजिए। अब हम इसे आराम से धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। इसे जितना आप स्टर करते रहेंगे उतना ज़्यादा ये मिक्स होगा, अच्छा होगा। इसे तब तक स्टर करते रहना है जब तक आटे का कलर चेंज ना हो जाए। और यहाँ इस दूसरे साइड में मैंने जो है अपना सिरप बनाने के लिए, पानी को बॉइल करने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें जो चीनी है 1/2 कटोरी डाली है, और 3 इलायची डाली है, और 3 कप पानी डाला है। आप जो मीठा है, आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी रेशियो, आप जैसे हो वैसे कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है तो मैंने चीनी थोड़ी कम डाली है। देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये अपना कलर चेंज कर देगा, ये देखिए वाइट से अभी ब्राउनिश हो गई है, पूरी ब्राउनिश हो चुकी है। और घी भी जो है ये घूमते घूमते देखिए कि ये घी में घी और आटा भी अलग अलग दिखने लग रहा है कढ़ाई में, और मेरा सिरप भी रेडी हो गया है। अब जो है मैं इसमें धीरे धीरे करके अपना सिरप ऐड करूँगी। देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब मैं जो है गैस को ऑफ कर देती हूँ, और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से और पक जाए इसके भाप से। जैसे मैंने कहा था जब आप इसमें पानी डालोगे, जो मैंने सिरप बनाया है, आप ये देख सकते हो कि आटा अलग दिख रहा है और घी अलग दिख रहा है।
घी यहाँ पे पूरी कढ़ाई में अलग दिख रही है और आटा अलग दिख रही है। तो यस, ये रेडी हो चुका है। सो ये रहा मेरा कड़ा प्रसाद, रेडी हो चुका है। देखिए अब मैं इसे खा के भी बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी। जब आप इसे बनाओगे अच्छे से, जब आप इसे भूनोगे ना, जब आप ये फाइनल रेडी हो जाएगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये आटे का बना हुआ है। सो सीरियसली आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी है और बहुत इजी है। मैक्सिमम 20 मिनट्स में आप इसे आराम से बना सकते हैं। सो एन्जॉय, आप लोगों के लिए भी है ये। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक थम्स अप और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आगे मैं फिर एक अच्छे रेसिपी या कुछ और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट, बाय।